करेंगे बच्चों के साथ एक्शन वर्ड, क्योंकि एक्शन वर्ड जो होते हैं वो बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, उनको सिखाना बहुत ही ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर हम प्ले वे मेथड से हम उनको सिखाते हैं, जैसे हमारे डेली रूटीन में हमारी लाइफ में जो चीज़ें होती हैं हम इनको एक्शन के ज़रिए हम वो वर्ड जो है वो पढ़ेंगे और साथ में इनसे एक्शन करवाएंगे, ताकि इनको ये चीज़ें हमेशा के लिए याद रहेंगी। और क्योंकि जब ये प्ले वे मैथड जो छोटी क्लासेज होती हैं इनको अक्सर ये चीज़ें याद रहती हैं जो हम प्ले वे मैथड से इनको हम सिखाते हैं, तो हम इनको एक्शन वर्ड जो है वो हम बोलेंगे और ये साथ साथ में एक्शन करेंगे, तो इनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। खास करके जो एक्शन वर्ड होते हैं आज इसे अगर हम इनको सिखाएंगे तो ये इजली इनके लिए बड़ी चीज़ हो। तो बच्चे हम शुरू करें, मैं आपको वर्ड बोलता रहूँगा और आप एक्शन करते रहोगे। रीड, राइट, वेरी गुड, पुश पुश, पुल पुल, वॉक वॉक, स्टैंड स्टैंड, सिट स्टैंड, सिट, रन रन, स्टॉप रन, ईट ईट, ईट, drink drink, sleep sleep, wake up wake up, wash wash, catch catch, throw throw, jump jump, sing musibatan madane pehni rehndi hai ta bina to duniya sawal rehndi hai naade jehde vaje, sing musibatan utte marde te pehni rehndi hai da bina to duniya sawal rehndi hai, dance dance dance, cry cry, think kick kick, hope hope, cough cough, fly fly fly। जो एक्शन वर्ड हमने अभी बच्चों को सिखाए तो उन्होंने बड़ा मज़ा किया और बड़ा इंजॉय भी किया और इन्होंने साथ साथ में ये वर्ड भी सीखे। अगर आप भी ये कुछ एक्शन वर्ड आपने इस तरह बच्चों को सिखाना चाहते हैं तो आप पहले ये लिस्ट बना लें, उसमें 10 या 15 वर्ड जो हैं वो आप अच्छे से बच्चों को लर्न करवाएं, लर्न करवा के फिर उनको प्रैक्टिकली करवाएं और देखें आप जो वर्ड होंगे वो बच्चे कभी नहीं भूलेंगे। अगर आप बच्चों को अभी भी पूछेंगे कि पुश का क्या मतलब है, पुल का क्या मतलब है, सीट का क्या मतलब है, तो इन सब बच्चों को याद है। तो मैंने जैसे प्ले वे मेथड से इनको सिखाया तो इनको याद हो गया। अगर हम इनको ऐसे रट्टा मराते, हम इसको ऐसे दिखाते तो इनको कभी याद। और जब ये बच्चे जो है ये एक्शन वर्ड को समझ जाते हैं, जब वर्ड का मीनिंग ये समझ लेते हैं तो इनके लिए फिर जो एक्शन करना होता है वो बड़े ईजी होता है। जब ये वर्ड समझ जाते हैं कि इस वर्ड का क्या मायने है तो फिर उसके लिए इनके लिए बड़ी आसानी हो जाती है।